सो कल हमने रिलेशंस का कॉन्सेप्चुअल पार्ट हमने क्लियर कर लिया राइट ओके तो आज अपन करेंगे क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन सेट्स के भी करेंगे जो टफ क्वेश्चंस स्पेशली जेडब्ल्यूई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल और साथ साथ में अपने पास जितने भी फॉर्मूले हैं जैसे कि पावर सेट में जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2^n है ना सो वो फॉर्मूला हमने डिराइव कैसे किया था बाय यूजिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कांसेप्ट इज इट या अपन जनरल ट्रेंड हमने फॉलो किया था नाउ देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दैट फॉर्मूला है ना वो है कॉम्बिनेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कांसेप्ट है उसमें इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग है ना तो वो कांसेप्ट यूज करके अपन एक्चुअली फाइंड कर सकते हैं कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे जैसे कि वी नो कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2^mn है ना जैसे कि सेट ए में m एलिमेंट्स है और सेट बी में n एलिमेंट्स है राइट देन वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2^mn क्योंकि अपन जानते हैं कि a क्रॉस b में mn होता है तो a क्रॉस b का हर एक सबसेट एक रिलेशन हो सकता है सो बेसिकली इसीलिए 2^mn वाज द फार्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस तो ना अब उन सारे रिलेशंस में कितने रिफ्लेक्सिव होंगे And how many relations are symmetric, right? So now this is also you know a question that they might ask, है ना? उसके लिए standard formula है आपने पास? Formula तो अपन learn करेंगे, उसमें कोई doubt ही नहीं है. But you know we we'll also need to you know understand कि वो formula कैसे derive किया गया है, है ना? उसके लिए अपने को थोड़ा सा you know permutations and combinations का concept रखना, हल्का सा. जबकि वो अपन already जानते हैं, है ना? वो क्या है basic, है ना? So before we do that, when do you say that a relation is reflexive? Is it a relation is defined on set A? A relation is defined on set A. When do you say that a relation is reflexive? A comma A, right? For all A belonging to set A, A comma A should be present in R. माने every element of set A should be related to itself. माने उस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर्स होना चाहिए कि a कॉमा a वाले सारे ऑर्डर पेयर्स होना चाहिए राइट तब वो रिफ्लेक्स होगा नाउ कुछ कुछ क्वेश्चंस में हमने किया कि y को x से रिप्लेस करेंगे y को x से रिप्लेस किया है ना उससे अगर सारे एलिमेंट्स अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे बेसिकली सेटिस्फाई करेंगे तो अपन बोल सकते हैं कि यस इट इज रिफ्लेक्सिव है ना अच्छा व्हेन यू से दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक है ना अगर a कॉमा b है R में तो b कॉमा a भी R में होना चाहिए अगर a कॉमा b itself is not present in R if a कॉमा b itself is not present in R माने सारे के 1 1 2 2 3 3 अगर ऐसे रिलेशंस है ऑल ऑफ यू नो अगर ऐसे सारे रिलेशंस है तो अपन बोल सकते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक है राइट माने 1 कॉमा 2 उसमें है और 2 कॉमा 1 नहीं है तब जाके वो सिमेट्रिक नहीं होगा है ना तो कभी भी ना क्वेश्चन में अगर आपको सिमेट्रिक नहीं है करके डिस्प्रूव करना है तो व्हाट डू वी डू फाइंड एन एग्जांपल बस एक ही एग्जांपल की जरूरत है आपको डिस्प्रूव करने के लिए राइट अच्छा उसके बाद ट्रांजिटिव अच्छा सिमेट्रिक में अगर कोई कंडीशन है x और y के टर्म्स में रिमेंबर वी इंटरचेंज x एंड y इफ द कंडीशन डजंट चेंज एंड कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द कंडीशन डजंट चेंज जैसे कि कल हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया था x2 + y2 = 4 हमने x और y को इंटरचेंज किया तो वी गेट द सेम कंडीशन अगेन उसके मतलब वो डेफिनेटली सिमेट्रिक है फॉर एवरी a कॉमा b b कॉमा a इज सॉरी विल डेफिनेटली बी प्रेजेंट इन r ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा b है एंड b कॉमा c भी है उसमें अच्छा यहां देखो ना तीनों अलग-अलग एलिमेंट्स की जरूरत है जैसे कि l1 l2 l3 लिया हमने जैसे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिया और ए बी सी ब्रदर्स और सिस्टर्स वाले क्वेश्चन किया है ना वी नीड थ्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हियर सो ए बी अलग और बी सी अलग है ना तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के नाम तो ए बी है एंड बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए अगर ए सी नहीं है जैसे कि ए बी है बी सी है लेकिन ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा या ए बी एंड बी सी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स ही नहीं है उसमें तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव
नाउ ओके जनरली एक सेट में यूजुअली अ सेट जो होता है उसमें एलिमेंट्स कुछ नंबर्स या अल्फाबेट्स होते हैं राइट वेयर एज रिलेशन में एलिमेंट्स मतलब ऑर्डर पेयर होता है इजंट इट ए क्रॉस बी में भी एलिमेंट्स का मतलब ऑर्डर पेयर इजंट इट अच्छा एंड इफ यू रिकॉल ये फर्स्ट क्वेश्चन ये जनरली सेक्शन में है फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये है सेट ए एंड बी हां क्वेश्चन ये है ओके ए एंड बी बी टू सेट्स कंटेनिंग टू एलिमेंट्स एंड फोर एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली सो ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग टू एलिमेंट्स एंड फोर एलिमेंट्स सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना राइट n ऑफ ए इज इक्वल टू 2 n ऑफ बी इज इक्वल टू 4 इजंट इट Then the number of subsets of A cross B. अच्छा तो ये कौन सा सेट का सबसेट पूछा मैंने A cross B का तो what's the first thing I should be doing? मैंने n of A cross B find करना है क्योंकि जिस सेट का आपको सबसेट निकालना है पहले वो सेट में कितने एलिमेंट्स है ये पता करना जरूरी होता है So basically क्या करें कि now you try to find number of elements in A cross B. अच्छा A cross B में कितने एलिमेंट्स होंगे अच्छा नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट्स है उसका मतलब कितने माने ये 8 एलिमेंट्स जो है वो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स है राइट इट डजंट आई मीन यू डोंट वरी अबाउट कि ये कौन से एलिमेंट्स है माने एक एलिमेंट है कि या ऑर्डर्ड पेयर है या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है इट डजंट मैटर बट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे 8 है ना अगर इन्होंने पूछा होता टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2^8 वाला भी आंसर है ना लेकिन उन्होंने पूछा Number of subsets of A cross B having 3 or more elements. Number of subsets of A cross B having 3 or more. That means indirectly what should we be doing? So therefore, number of subsets having 3 or more elements. अच्छा ये कैसे find करते हो? How do you जैसे कि अगर उन्होंने पूछा होता number of subsets containing 3 elements, वो कैसे find करते हो? Three elements, exactly three elements. NCR. अच्छा यहाँ n कितना है? NCR में n क्या होता है? Set में जितने elements हैं और R कितने elements का subset ढूंढना है आपको, है ना? यहाँ remember NCR में मतलब जैसे कि वो set में जैसे कि number of elements in set is n. NCR का मतलब number of subsets containing r elements of a set which has how many elements n elements तो n में से r elements होना चाहिए इसमें है ना so yes so number of subsets containing exactly 3 is how much ac3 बल्कि हमने क्या बोला कि 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकता है माने ac3 as well as है ना क्योंकि ये भी चलेगा या ये भी चलेगा प्लस 8c5 प्लस 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8 तो मतलब इतना सारे सब इतना सारे बाइनरी क्वेश्चन फाइंड करेंगे क्या नाउ इज इज अ डिफरेंट वे रिमेंबर है ना 2^n टोटल 2^n टोटल सक्सेस है माइनस कौन से मिसिंग है ना एकदम बिगिनिंग से AC0 AC1 AC2 ये तो कर लोगे आप आगे क्या कर लोगे है ना AC0 कितना होता है 1 हमेशा फर्स्ट बाइनोम क्वेश्चन हमेशा 1 AC1 सेकेंड बाइनोम क्वेश्चन हमेशा n होता है AC2 निकालने का तरीका है ना 8 के फैक्टोरियल में 2 टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल जैसे कि और 2^8 कितना होता है 256 AC0 1 AC1 is 8 AC2 is 8 into 7 है ना
8 into 7 by 2 factorial, just do it. 2 4s are 7 4s are 36, 37. 219 is the answer. अब देखो वेरी यू नो लेट्स लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे ना कि ये एनसीआर जो है अपन जानते हैं कि एनसीआर का मतलब एक बाइनरी क्वेश्चन होता है ना जिसका इंडेक्स n है इसलिए सो अपना सेट्स के हिसाब से एनसीआर क्या होता है कि सेट्स के हिसाब से एनसीआर इज कि अब एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है n है ना और उसके अपन सबसेट्स फाइंड कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स होना चाहिए r करेक्ट माने उस सबसेट में सारे एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कितने एलिमेंट्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए सिर्फ आर वाले एलिमेंट्स है ना तो अपने को इसके नीचे एक नोट लिखना है प्लीज राइट अ नोट सो कैन आई से कि सेट में 8 एलिमेंट्स है और आपको उसके सबसेट बनाना है और उसमें कितने एलिमेंट्स होना चाहिए जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में 3 एलिमेंट्स सिर्फ माने 8 एलिमेंट्स में से एट ए टाइम कितने एलिमेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है 3 समझ में आ रहा है माने 3 ही सेलेक्ट करना है आपके पास कितने एलिमेंट्स थे 8 कितने एलिमेंट्स आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके आप सेट के डाल सेट में डाल दिया तो वो सबसेट बन गया 3 एलिमेंट्स वाला सो देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट सो ये एनसीआर का मतलब ये होता है राइट नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting r elements out of n elements number of ways of selecting r elements out of n elements is ncr now hopefully you know this makes even you know better sense then I mean this makes things even easier isn't it क्योंकि आपके पास जैसे कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हैं 8 आपको कितने सेलेक्ट करना है 3 तो 8c3 इज़ इट अच्छा लेकिन उससे भी ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो माने हो सकता है कि आपने 4 एलिमेंट सेलेक्ट किया तो 8c4 5 एलिमेंट सेलेक्ट किया 8 में से 8c5 वगैरह वगैरह है ना तो एक्चुअली ये जो है दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशंस कांसेप्ट सिलेक्शन और कल हमने एक क्वेश्चन किया था सिलेक्शन वाला सिक्स एलिमेंट सिक्स में से हमने दो सेलेक्ट किया था मतलब वो ये वाला कौन सा अप्लाई होगा वाला ओके एनीवे दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट सो होपफुली दिस मेक्स सेंस है ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिस इज बेस्ड ऑन रिलेशंस तो ना यहां रिलेशन आर जो है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है जनरली अगर कोई रोस्टर फॉर्म में है रिलेशन तो इट्स वेरी इजी टू चेक व्हेदर इट इज सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव क्योंकि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है माने कोई कंडीशन नहीं कुछ नहीं सारे ऑर्डर पेयर्स हैं आपके सामने है ना ओके सो रिलेशन ये है अच्छा पहले रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए व्हिच इज 3 5 9 एंड 12 ठीक है और रिलेशन में ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं 3, 5, 5, 9, 9, 12, 12. अच्छा, ये चारों ऑर्डर पेयर्स लिखते बराबर आपके माइंड में कुछ आ गया होगा ये रिलेशन ऑलरेडी यस है Let's see. But all the ordered pairs are 5, 12, 3, 9, 3, 12, 3, 5. Right? The question is if R is a equivalence relation or combination, reflexive, symmetric, and transitive, whatever, whatever. Right? Yes, so we need to think. तो पहली बात ये है since we have every a comma a है ना इसलिए remember अगर इसमें 12, 12 नहीं होता तो ये reflexive हुआ रहता क्या नहीं क्योंकि ऐसे देखो सारे इससे वाले ऑर्डर पेयर्स रिफ्लेक्ट होना जरूरी है
देखो, और इसका रोल खत्म हो गया। ए कॉमा ए वाले सिर्फ रिफ्लेक्सिव में ही उसे मतलब है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इसको हम कंसीडर भी नहीं करते, है ना। अच्छा, सो देयरफॉर आर इज ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए व्हाट डू वी डू फॉर सिमेट्रिक? अब देखो इसे अपन ऑब्जर्व भी नहीं करते। अच्छा, सो टेल मी व्हाट व्हाट डू वी डू इन सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का कांसेप्ट क्या था, है ना? अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी उसमें होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ना। अच्छा, तो ये बाकी के सारे डिस्टिंक्ट वाले हैं, कोई भी एक तो, जैसे कि ये 5.12 है, तो ये ए कॉमा बी जैसा। तो अगर 5.12 है इसमें, तो क्या बी क्या होना चाहिए इसमें? 12.5 है क्या? नहीं, बस एक ही ऑर्डर पे जरूरत है आपको। अच्छा, ये 3.9 भी ले सकते हो, तो 9.3 है क्या? नहीं, अरे देखो इन सारे ऑर्डर पेयर्स के लिए बी कॉमा ए वन है मिसिंग है ना, इसलिए बैलेंस आर इज डेफिनेटली नॉट सिमेट्रिक। तो आपको रीजनिंग क्या लिखना होगा, व्हाट इज द रीजनिंग हियर? रिमेंबर आपको ना सिर्फ, जैसे कि देखो 5.12 है, 12.5 है, 3.9 9.3 है, 12.3 भी है इसमें, इमेजिन, बट सिर्फ 3.5 के लिए 5.3 नहीं है, माने इसके लिए भी b कॉमा a वाला है, माने इसके लिए है b कॉमा a, लेकिन सिर्फ 3.5 के लिए नहीं है, तो वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा पक्का, क्यों? क्योंकि रिमेंबर फॉर एवरी a कॉमा b इन r, b कॉमा a शुड बी प्रेजेंट इन r, माने जितने भी a कॉमा b वाले हैं, जितने भी r में ऑलरेडी है, उन सब के लिए b कॉमा a वाले होना चाहिए। अगर ए बी बी कॉमा ए वाला नहीं होता किसी ए कॉमा बी का, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि रिमेंबर गाइस, यू ओनली नीड वन ऑर्डर्ड पेयर टू डिस्प्रूव कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, यू ओनली नीड वन ऑर्डर्ड पेयर, है ना। सो कीप दीस स्टेटमेंट्स इन माइंड। तो मैं एक ही एग्जांपल दूंगा इनमें से कोई भी, जैसे कि 5.2, सो 5.2 बिलोंग्स टू आर, बट 12.5 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट symmetric, yeah? R is reflexive and R is not symmetric. Okay, अच्छा, अभी transitive के लिए। अच्छा, transitive के लिए क्या approach होता है? यार transitive के लिए आपको ना A B और B C वाला आपको ढूंढना है ना, मतलब वो linking वाला है, ordered pairs आपको ढूंढना है। अच्छा, let's say, can we start with 5.12? देखो 5.12 से स्टार्ट करना है तो 12, समथिंग वाला चाहिए ना, तो 5.12 से अपन स्टार्ट नहीं कर सकते, यूजलेस है। कैन वी स्टार्ट विद 3.9? नहीं, क्योंकि 9 समथिंग की जरूरत है। कैन वी स्टार्ट विद 3.12? नहीं, क्योंकि 3.12 के लिए 12, समथिंग की जरूरत है। कैन वी स्टार्ट विद 3.5? यस, क्यों? क्योंकि ये देखो लिंकिंग वाला ऑर्डर पेयर है ना। अच्छा देखो 3.5 है आर में और उसके साथ साथ में तो क्या होना जरूरी है, वो है यहाँ। तो ये ट्रांजिटिव है पक्का, श्योर? तो फिर ये 3.9 से कोई लेना नहीं है पक्का, श्योर? क्योंकि रिमेंबर ट्रांजिटिव में वो पहले के दो ऑर्डर पेयर्स होना जरूरी है, ए बी एंड बी सी, एंड फॉर एवरी ए बी एंड बी सी देयर शुड बी ए सी, राइट? ऐसे देखो दो ही ऑर्डर पेयर्स हैं जो ए बी और बी सी वाले, माने एक ही पेयर है और उसके लिए तो सैटिस्फाई होगा, दैट्स इट, दैट इज एक्चुअली सफिशिएंट। तो क्या लिखना होगा आपको, लिखना होगा 3.5 एंड 5.12 बोथ बिलोंग टू आर, 3.5, 5.2 बिलोंग्स टू आर एंड 3.12 आल्सो बिलोंग्स टू आर। So what do we conclude? Therefore, R is transitive. अच्छा, तो ये relation जो है, वो reflexive and transitive है, but not symmetric. Easy. Actually, these questions are considered to be very easy. माने, we are getting to शायद सर ने एक पहले बार ये question solve किया. Actually, कल ये question solve किया था, very first example. But of course, we need more experience. क्योंकि ना
वो जो डेफिनेशन में ना थोड़ा सा यू नो मैं हो सकता है कि मेरे जो डाउट है लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए ना एज वी सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट आर जो है इट इज डिफाइंड ऑन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट एंड एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली क्या है ये रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर सेट है ना, क्योंकि दोनों भी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो दोनों भी जो एलिमेंट्स हैं, दे बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट। सो क्लियरली दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर सेट। और देखो ये कंडीशन है x और y के बीच में, तो आपको चेक करना है कि ये क्या है, तो बेसिकली व्हाट द वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी, वी यूजुअली चेक फॉर रिफ्लेक्सिव फर्स्ट। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, है ना, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसेंडर, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, क्लियर है, क्लियर यस, वी रिप्लेस, वी डोंट डिटैच इट, वी रिप्लेस, वी रिप्लेस y बाय x, माने कौन से a कॉमा a वाले राइट, x कॉमा x, सो वी सिंपली रिप्लेस y बाय x एंड वी चेक whether this actually makes sense or not, माने ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। सो रिमेंबर रिफ्लेक्सिव में अगेन वी रिप्लेस y बाय x या b बाय a, है ना, या अनदर वे ऑफ सॉल्विंग इट इज कि देखो ये क्वाड्रेटिक है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस। दो मेथड्स हैं, तो मेथड वन क्या है कि आप सिंपली रिप्लेस रिप्लेस y बाय x, है ना, तो देखते हैं क्या होगा कि ये x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0। अच्छा साइड से होगा 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 0, उसका मतलब इसका मतलब क्या है कि y is equal to x इसको satisfy कर रहा है, माने x is equal to y वाले जितने भी माने x is equal to y वाले definitely इसमें होंगे, माने 1 comma 1 वाला इसमें होगा, 2 comma 2 वाला भी होगा, क्योंकि ये relation satisfy हो रहा है, है ना, this is one way of looking at x, right? अच्छा दूसरा method क्या हो सकता है कि आप इसको solve कर सकते हो, कैसे, कि 3 1 3 तो clearly it is minus, है ना, another way of looking at it is यहां देख सकते हैं 0 is equal to 0, तो इसके मतलब क्या लिखना, सिंस y is equal to x satisfies given condition therefore r is reflexive, ठीक है, ये एक तरीका है। नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे आल्सो, राइट, अच्छा what do you in the other way we solve this, right? let's solve this, isko solve karne se kya hoga, let's see, ye x square minus 3xy minus xy plus 3y square is equal to 0, right, acha x into x minus 3y minus y into, to direct agar aapne likh diya x is equal to y and x is equal to, hai na, ab dekho now we need to understand कि ये information को अपन analyze कैसे करेंगे, so we need to understand कि इस relation में कैसे ordered pairs होंगे which satisfy these, अब पीछे में पर ये और है, remember comma का मतलब ये और होता है, correct, माने either ये वाले भी चलेंगे इसमें या ये वाले भी चलेंगे, अच्छा ये वाले भी मतलब कौन से होंगे, and remember x and y belongs to natural, उसका मतलब first ordered pair क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर पेयर वगैरह वगैरह, माने रिफ्लेक्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहां ए कॉमा ए वाला, अच्छा सो दैट मींस ये यू सी दिस गिव्स अस रिफ्लेक्सिव, माने ये कंडीशन जो है ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए काम करेगा और रिफ्लेक्सिव ट्रू हो चुका है ना, अच्छा ये देखो ये x = 3y वाला दूसरा, अच्छा x = 3y का मतलब, अब देखो इसके हिसाब से कौन से ऑर्डर पेयर्स होंगे आपने इसके हिसाब से, कौन सा
एक्सिस थ्री वाई है ना, एक्सिस थ्री वाई, यहाँ अपन वाई की वैल्यू डालेंगे थ्री कॉमा वन, उसके बाद सिक्स कॉमा टू, उसके बाद नाइन कॉमा थ्री एंड इट गोज ऑन, इज इट, इट गोज ऑन। इसमें ना ऐसे वाले एलिमेंट्स भी होंगे इस रिलेशन में। अच्छा तो पहले पहली बात ये 1, 2, 2 ऐसे वाले भी होंगे, उसके बाद ऐसे वाले भी होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए अगर मान लो आपने ये सब नहीं किया, अगर डायरेक्ट कंडीशन के हिसाब से करना है तो सिमेट्रिक के लिए व्हाट वी डू, डेसेंट वी इंटरचेंज x एंड y, x की जगह y, y की जगह x, और ये कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। लेट्स सी, इसको अपने y स्क्वायर से, सॉरी ये इसको अपन y से रिप्लेस किया तो ये y स्क्वायर होगा, इज इट। सो व्हाट विल दिस बिकम, दिस बिकम्स y स्क्वायर इंटरचेंजिंग y, तो ये होगा y स्क्वायर माइनस ये वैसे वैसे प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशन चेंज हुआ, माने दिस मीन समथिंग एल्स, इट डजंट मीन दिस, है ना। उसका मतलब ये सिमेट्रिक है कि नहीं, नहीं, सिंपल पक्का। अच्छा तो ये दिस इज इन सेंस, दिस इज द गिवन कंडीशन हैज चेंज, राइट, कंडीशन हैज चेंज, इट्स नॉट द सेम कंडीशन एनीमोर, है ना, नॉट सेम कंडीशन, therefore r is not symmetric, right। अच्छा तो ना अपन ये वाला एग्जांपल लेकर भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा सिमेट्री के लिए व्हाट डू वी डू, अपना कोई ऑर्डर पर लेना है, उसके थ्रू कैसे कर सकते हैं, उसके थ्रू कैसे करें, है ना। सो या ये भी वन एग्जांपल, as well as that the common is 1 comma 3 is not even possible, uska matlab this is definitely not symmetric, and another way of looking at this 3 comma 1 belongs to r but 1 comma 3 does not belong to r, therefore r is not symmetric, another way of looking at this, okay। So you see you can either do it from condition point of view or you can also make use of ordered pairs, we are doing it by both methods so that you know kinetic kaam aa jayenge methods। So transitive ke liye what do we need, we need to find transitive ke liye what should we look for, jaise ki ordered pairs mein apne ko ordered pairs ki zarurat hai, so yes what to kaun se ordered pairs apne ko chahiye, a कॉमा b b कॉमा c है क्या, फिर जैसे कि 3 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा समथिंग की जरूरत है, यहां पॉसिबल है क्या, नो। 6 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा समथिंग पॉसिबल है क्या, नहीं। अब देखो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, 9 कॉमा 3 है एंड इसीलिए ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स टू राइट आई नो एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल, जैसे कि इसके बाद और कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा 12 कॉमा 4 एंड सो ऑन, इजंट इट। सो उन्होंने ना ऐसे जानबूझ के सेट किया है ना कि बेसिकली रिमेंबर वी ओनली नीड वन एग्जांपल a कॉमा b b कॉमा c वाला, है ना, क्योंकि ये देखो ये स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स है ये तो 3 के मल्टीपल्स है, है ना, समझ में आ रहा है, ये जो स्टार्टिंग वाले 3 के मल्टीपल्स है, राइट। माने फर्स्ट ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट ऑर्डर पेयर में सेकंड वाला 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके उसका लिंकिंग वाला ऑर्डर पेयर मिलेगा, इजंट इट। इसलिए देखो हर एक ऑर्डर पेयर में देखो ये तो 3 का मल्टीपल है, इजंट इट, सो उसका मतलब एक और ऑर्डर पेयर लिया आपने, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो लिंकिंग वाला तभी मिलेगा इफ इट एंड्स विद 3 का मल्टीपल, राइट। सो बेसिकली क्या है कि द लीस्ट पॉसिबल इज की, जैसे कि स्मॉलेस्ट इज 3 कॉमा 1, तो ऐसा वाला कोई है क्या है, व्हिच इज 9 कॉमा 3, ये देखो ये बीच के दोनों 3 के मल्टीपल्स की जरूरत है ना। अच्छा आगे जाके और कोई मल्टीपल मिलेगा इसका, कौन सा, 6 कॉमा 2 वाला होगा यहां और इधर 6 कॉमा, ये कौन सा होगा, ये 6 है तो ये कितना होगा, 6 3 18, हां ये वाला भी होगा आगे जाके,
है ना, आ रहा समझ में? अच्छा तो एनीवे इसी को देखो। अच्छा देखो ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी है तो कौन सा ऑर्डर पे चाहिए अपने को, है ना, 9,1। सो दिस बोथ बिलोंग टू आर, बट 9,1 बिलोंग्स टू आर, नो मतलब आर इज नॉट ट्रांसिटिव। This is a very very nice question, I would say. आगे समझ में, I hope you guys are you know getting things, है ना, क्योंकि आपको आइडिया आना चाहिए अभी आगे जाके, है ना, कोई ऐसा क्वाड्रेटिक वाला रिलेशन गिवन है तो यू नो बेस्ट वे इज बी फॉर सॉल्व, सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो या सिमेट्रिक और रिफ्लेक्स वाला आराम से हो जाएगा, रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक वाला तो यू कैन डू इट इजीली, रिप्लेस वाई बाय एक्स इफ द कंडीशन इज सैटिस्फाइड, रिफ्लेक्स इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इफ कंडीशन रिमेन्स द सेम देन इट ऑल्सो बिकम्स सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ना You need to find the ordered pairs. मतलब आप ऐसे दो ordered pairs ढूंढना है, कैसे भी करके ढूंढना है। हाँ, अगर if you're not able to find, वो by default transitive हो जाएगा। अच्छा, चलो next one. और question. ये you know this is a very simple question. This question number 4. काफी simple है. X is 4 का power n minus 3 n. Minus one, where n belongs to natural number set, and y is 9 times n minus one, n belongs to natural number set. ठीक है? तो फिर मैंने पूछा, x union y is equal to. Options हैं x, y, etc. etc. है. अब तो एनीवे बेटर फील आएगा.